ब्यूटीफुल स्किन का होना हम सभी की चाहत होती है, पर हम सभी वर्क करते हैं आउटर ब्यूटी पर। इनर ब्यूटी या इनर पीस, मन की शांति पर ध्यान नहीं देते। फ्रेंड्स, ब्यूटी आपके अंदर छिपी हुई है। अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। फिर देखिए, आपसे ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल आपको कोई नहीं लगेगा। इसी थॉट के साथ स्वागत है आपका रीना व्यास चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज जो आपके लिए पैक लेके आई हूँ वो बहुत ही सिंपल, इजी और मिनटों में बनने वाला पैक है, जिसको आप डेली अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं किस तरह इसको बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हनी लिया है, शहद। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो स्किन की रेडनेस को, स्वेलिंग को, पिंपल्स को रिड्यूस करती है, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके एक्ने और बैक्टीरिया को ख़त्म करती है और आपके ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में एक एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टी होती है और आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ये एक एसिड है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इस एसिड के साथ में दूसरी कोई आप एसिड वाली चीज़ को यूज़ ना करें। थर्ड चीज़ मैंने यहाँ पे ली है मुल्तानी मिट्टी। फ्रेंड्स, इस मुल्तानी मिट्टी में मैंने चुटकी हल्दी भी मिक्स की हुई है। मेरे पास ऑलरेडी मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का पाउडर मिक्स किया हुआ पड़ा था, मैंने उसका यहाँ पर यूज़ किया है। मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, क्लीन रखते हैं, पिंपल्स को ख़त्म करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं, और ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन को भी ट्रीट करते हैं। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में इसको आपकी स्किन पे आपको कम से कम 20 मिनट तक लगा के रखना है। ये वाला पैक आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूखेगा नहीं, क्योंकि इस पे हमने शहद डाला हुआ है। तो 20 मिनट रखने के बाद में इसको आपको वॉश कर लेना है। आप चाहे तो इससे आप थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं 5 मिनट का, और उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं जो भी यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, जो भी प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, उसको विथ इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।